प्रिय विद्यार्थियों, आज हम मानचित्रों के प्रकारों का अध्ययन करेंगे। हम देखेंगे मानचित्र कितने प्रकार के होते हैं। आओ हम मापनी के प्रकारों का अध्ययन करें। मापनी के आधार पर मानचित्रों के प्रकार। मापनी के आधार पर मानचित्रों को बृहद मापनी और लघु मापनी में वर्गीकृत किया जाता है, लार्ज स्केल और स्मॉल स्केल मैप। बृहद मापनी पर लार्ज स्केल मैप पर मानचित्रों में छोटे क्षेत्र को अपेक्षाकृत बृहद मापनी द्वारा दिखाया जाता है, यानी एक छोटा सा क्षेत्र है उसको लार्ज स्केल पे दिखाया जाएगा क्योंकि उसकी स्केल बड़ी हो जाएगी, और जो बड़ा क्षेत्र है उसको स्मॉल स्केल पे दिखाया जाएगा। तो स्थलाकृतिक मानचित्रों में 1:2,00,000, 1:50,00,000 या 1:25,000 की मापनी पर बनाया जाता है। तथा गांव का मानचित्र है, इसको क्षेत्रीय प्लान भी कहते हैं, 1:4,000, 1:2,000 या 1:500 की मापनी पर दिखाया जाता है, जो कि बृहद मापनी है। दूसरी ओर लघु मानचित्रों का उपयोग बृहद क्षेत्र को दर्शाने के लिए किया जाता है, उदाहरण के लिए एटलस और मानचित्र और भित्ति मानचित्र। अब एक चीज़ समझने की है बेटा, आप अगर बड़ा सा क्षेत्र ले रहे हैं जैसे पूरा इंडिया, तो उसको आप स्मॉल स्केल पे बनाएंगे लघु मापनी पर। ये जो आपको चित्र दिख रहा है, ये एक गांव का मैप है, तो ये गांव का मैप आप बृहद पैमाने पे बनाएंगे। बृहद पैमाने पे क्यों? क्योंकि जो क्षेत्र है उसको आप एक छोटे से पेज पे दिखा रहे हैं। जब हम आगे चर्चा करेंगे तो आप अच्छे से समझ जाएंगे। तो बृहद मापनी क्या होती है, इसके बारे में बात करते हैं। बृहद मापनी मानचित्रों को दो प्रकार से विभाजित किया गया है, भू संपत्ति मानचित्र और स्थलाकृतिक मानचित्र। भू संपत्ति मानचित्र जैसे आपकी जमीन, आपका गांव, वो स्थलाकृतिक मतलब किस तरह की जमीन, ऊबड़ खाबड़ है, पठार है, मैदान है, ऐसा। आओ देखें, सबसे पहले आपको भू संपत्ति मानचित्र के बारे में बताते हैं। कैडेस्ट्रल मैप, ये आपके पटवारी के पास भी होता है, आपके गांव का इसमें सारा जिक्र होता है। जैसे छोटे छोटे पॉइंट बने हैं, ये खेतों के नंबर दिए गए हैं, तो बोलते हैं ना आप कितना खसरा नंबर है जी हमारे खेत का, तो वो वही बात है। ये शब्द फ्रेंच भाषा के कैडेस्टर शब्द से उत्पत्ति हुई है, जिसका मतलब है क्षेत्रीय संपत्ति की पंजिका। इन मानचित्रों में कृषिगत भूमि सीमाओं का निर्धारण किया जाता है, नगरों में व्यक्तिगत निजी मकान प्लान दर्शाया जाता है, और इसमें मानचित्र में सरकार द्वारा विशेष रूप से भूमि कर लगान की वसूली के लिए बनाया जाता है। तो इसमें जो मानचित्र बनते हैं वो बनते हैं 1:4,000 और 1:2,000। अब आप बहुत बार ये सोच रहे होंगे ये अनुपात क्या है। बेटा जी, जो एक इकाई जमीन पर है, मैप पर है, वो 4,000 इकाइयां जमीन पे हैं। यानी जो एक मैप पे अगर किसी चीज़ को एक से दिखाया गया है, तो वो जमीन पर एक्चुअल जाके फील्ड पर 4,000 है। अगर मैप में किसी चीज़ को 1 सेंटीमीटर से दिखाया गया है, तो जमीन के 4,000 सेंटीमीटरों के बराबर उसको दिखाया गया है। तो अनुपात का मतलब ये होता है कि जो इकाई मैप पर है, एक इकाई, वो 4,000 इकाइयां एक्चुअल जाके जमीन पर हैं। तो इनमें से आपको, आप जैसे पटवारी के पास आप जाते हैं तो अपने घर का मानचित्र और आपकी जमीन सारा पता चल जाता है आपको। आओ हम दूसरे मानचित्र का अध्ययन करें। ये भी बृहद पैमाने के मानचित्र हैं, इनको स्थलाकृतिक मानचित्र कहते हैं, टोपोग्राफिकल मानचित्र भी इनको कहते हैं। ये मानचित्र साधारणतः बृहद मापनी पर बनते हैं, यानी लार्ज स्केल पे बनते हैं, यानी छोटे क्षेत्र को बड़े पैमाने पर दिखाया जाता है। स्थलाकृतिक मानचित्र परिशुद्ध सर्वेक्षणों के आधारित होते हैं, ये पूरा सर्वेक्षण किया जाता है। मानचित्रों की श्रृंखला के रूप में विश्व में लगभग सभी देशों में एक राष्ट्रीय मानचित्र एजेंसी द्वारा तैयार किए जाते हैं। अध्याय 5 में भी आप इस चीज़ को पढ़ेंगे। उदाहरण के लिए भारत का सर्वेक्षण विभाग पूरे देश के स्थलाकृतिक मानचित्रों को बनाता है।
इसमें 1:50,000, 1:50,000, 1:25,000 की मापनी पर व्यक्त किया जाता है। इन मानचित्रों में स्थलाकृतियों की जानकारी दी जाती है। जैसे आपको अलग अलग मैप दिख रहे हैं, नीचे एक मैप दिख रहा है, इसको कंटूर्स मैप कहते हैं। इसको उच्चावच को प्रदर्शित करने के लिए कहते हैं। समोच्च रेखाओं का मैप कहते हैं इसको। भूमि, वन, बस्ती, परिवहन, दूसरी तरफ दिल्ली का मानचित्र दिख रहा है, इसमें परिवहन जाल दिखाया जा रहा है। साथ में इंडेक्स भी बताया है कि कहाँ कौन सी सड़क किस चीज़ को प्रदर्शित कर रही है, बड़ी सड़क कौन सी है, छोटी कौन सी है, डाकघर, हर चीज़ दिखाने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न होगा कि स्थलाकृतिक मानचित्रों में ये जो छोटी छोटी लाइनें लगी हैं, जो बैकग्राउंड में एक मैप है, ये क्या है। एक समान ऊंचाई को दर्शाने के लिए ये लाइनें लगाई जाती हैं। इनको समोच्च रेखाओं का मानचित्र कहते हैं। जैसे एक लाइन होगी तो 2000 मीटर की ऊंचाई दिखाएगी, दूसरी लाइन 3000 की मीटर की ऊंचाई दिखाएगी। तो इस तरह ये मानचित्र बनाए जाते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, अभी तक तो हमने वो मानचित्र पढ़े थे जो कि बृहद मापनी के थे, यानी छोटे क्षेत्रों को दिखाने वाले थे। अब ऐसे मानचित्र पढ़ेंगे जो बड़े क्षेत्रों को दिखाते हैं। इसमें भित्ति मानचित्र, दीवार पे लगाने वाले मानचित्र, या एटलस, आपकी एटलस की बुक में जो मानचित्र होते हैं वो होते हैं। ये लघु पैमाने पे बनाए जाते हैं। अब आप कहेंगे लघु पैमाना क्या होता है। लघु पैमाना के मतलब एक बड़ा सा क्षेत्र छोटे से पेज पे दिखाया गया। लघु पैमाना यानी स्मॉल स्केल। प्यारे विद्यार्थियों, जब आप अपनी भूगोल की प्रयोगशाला में जाते हैं तो बहुत बड़े बड़े मैप आप दीवार पे देखते हैं, वो सारे के सारे लघु पैमाने पे बनाए जाते हैं। उनको भित्ति मानचित्र कहते हैं, दीवार पर बनाए गए मानचित्र कहते हैं। ये मानचित्र सामान्यतः बड़े आकार के होते हैं। ये कागज़ या प्लास्टिक पे बनाए जाते हैं, जिसका उपयोग कक्षा में, विज्ञान कक्ष में किया जाता है। इनकी मापनी जो होती है वो लघु होती है, यानी जमीन पर जो एक इकाई है वो बहुत ज़्यादा इकाइयाँ दिखाएगी। जैसे अगर मैं कहूँ 1 सेंटीमीटर बराबर है 10 किलोमीटर, तो ये लघु मापनी हुई, क्योंकि 10 किलोमीटर स्थान को 1 सेंटीमीटर से मानचित्र में दिखाया जा रहा है। आओ हम एटलस मानचित्रों के बारे में देखें। एटलस मानचित्र लघु मान मानचित्र हैं। ये बड़े आकार के क्षेत्रों को प्रदर्शित करते हैं। यहाँ भौतिक और सांस्कृतिक विशिष्टताओं को सामान्य तरीके से दर्शाते हैं। अलग अलग कलर्स यूज़ किए जाते हैं। एटलस मानचित्र विश्व महाद्वीपों को दिखाते हैं। जो भी आप विश्व का मानचित्र देखते हैं या विश्व के किसी महाद्वीप का मानचित्र देखते हैं, वो एक लघु पैमाने पर ही बनाया जाता है, स्मॉल स्केल पे ही बनाया जाता है। इसमें आबहवा, जलवायु, वनस्पति, उद्योगों का, जनसंख्या का, परिवहन का, सांस्कृतिक धरोहरों का वर्णन किया जाता है। अब आप एक चीज़ अपने दिमाग में बिठा लें, क्या अगर आपने गांव का मानचित्र देखना है तो वो बृहद पैमाने पे होगा। अगर आपने किसी देश का, महाद्वीप का या विश्व का मानचित्र देखना है तो वो एक लघु पैमाने पे होगा। और जब एक बात करते हैं हम दोनों के बीच में डिफरेंस की, तो बात ऐसी है, जब एक इकाई मानचित्र की क्षेत्र की, मतलब ज़मीन की 4000 इकाइयों को दिखा रही है, तो इसका मतलब बड़ा पैमाना है। जब मानचित्र में एक इकाई विश्व की या 10 किलोमीटर की या 20 किलोमीटर एरिया को दिखा रही है, तो वो लघु पैमाना हुआ। अब सीधी सीधी बात ऐसी है कि बड़ा क्षेत्र दिखाना हो तो लघु पैमाना, और छोटा क्षेत्र दिखाना हो तो बृहद पैमाना, लार्ज स्केल। धन्यवाद। अगर आपको किसी तरह की कोई समस्या आ रही है तो आप कमेंट में कर सकते हैं, जिससे आपको हम उचित समाधान दे सकते हैं। धन्यवाद।